घड़ी के 5 बज चुके हैं, शाम हो चुका है, क्योंकि आप लोग को बताई है इसके पहले के ब्लॉग में कि जल्दी आज इस बार हम लोग को पूजा करना है। तो सभी लोग हम लोग आपस में बात कर लिए फ़ोन से कि अब सभी लोग रेडी होते हैं तो चलते हैं, हम भी तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद अब देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे तैयार होते हैं और कैसे लगते हैं, और आगे के ब्लॉग में सारा पूजा पाठ सारा दिखाएंगे आप लोग को। चलिए रेडी हो जाते हैं, रेडी होने के बाद मिलते हैं। हम लोग का तो श्रृंगार अब शुरू हो गया है, साड़ी हम पहन लिए, बाकी तो कुछ कुछ मेकअप किए हैं। और ये सोलो श्रृंगार में एक श्रृंगार हम लोग का पैर रंगने का भी पर्व पड़ा है, खास करके हमारे बिहार में तो और भी है कि बिहार में कोई भी तीज पर्व रहता है तो हम लोग का तो आप लोग देखेंगे ब्लॉग में कि नाक से सिंदूर होना और ये पैर रंगना आलता रंगना ये सर्वप्रथम है, और नहाए खाए के दिन भी इसका हम लोग का बहुत ज़्यादा मान्यता रहता है। और यूपी में तो हमेशा सावन में तो लोग 30वें दिन ये लगाते हैं आलता, और हम लोग के यहाँ तो खैर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कोई भी त्यौहार रहता है तो हम लोग आलता जरूर लगाते हैं। सुंदर लग रही है मम्मी साड़ी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ। चलो ठीक है, हो गया। हाँ। आलता तो लग चुका है, देखिए मेरे पैर का आलता कैसा लग रहा है, छम 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 छम। उसके बाद अब मेरा श्रृंगार बज गया, चूड़ी बिंदी सिंदूर, तो ये चूड़ी एक हाथ में तो पहन चुके हैं। ये मैचिंग कैसा लग रहा है आपको, हम 2-3 तरह का चूड़ी अलग अलग लाए थे, उसका मैचिंग अपने आप से लगाए हैं। और उसके बाद अब थोड़ा ये चूड़ी और बच गया है, इसको पहन लेते हैं। उसके बाद ये मंगलसूत्र, मंगलसूत्र तो पहने थे लेकिन साड़ी पहनते के समय थोड़ा निकाले थे, यही आज इन्हीं का दिन है मंगलसूत्र, तो ये तो हम सभी लेडीज आज जरूर पहनेंगे, जिसके पास जैसा है वैसा पहनता है। और ये और बाकी ये है टीका, ऐसे तो सालों हम कभी टीका नहीं पहनते हैं लेकिन आज के दिन तीज के दिन ये टीका हम जरूर पहनते हैं, टीका पहन के ही पूजा करते हैं। और बाकी तो सब ये ना ही न्यू क्लचर, अभी क्लचर लगाएंगे। और बाकी लुक मेरा देख लीजिए कैसा लग रहा है, जो ब्लॉग में तो आपको ये साड़ी हम दिखाए ही थे, अभी और थोड़ा तैयार होना बाकी है। और कान का भी पहन लिए, कान का आपका कैसा लग रहा है, मम्मी अब तैयार हो गई है, अब जाएंगी वहाँ पे पूजा में, यहाँ पे थाली तैयार कर रही हैं। ये वहाँ पर गणेश लक्ष्मी जी सब बने हुए हैं, गणेश जी पर शंकर पार्वती जी गणेश जी, तो उनको उठाने के लिए कपड़ा ले लिए हैं। ये फूल हो गया, ये उनका चढ़ाने का प्रसाद हो गया, अक्षत हल्दी अरे ये सिंदूर रोड़ी घी का दिया फूल इधर हो गया, बाकी ये मेरा सिंदूरा है ये ले जाएंगे, और ये दान का मेरा डलिया है ये तो पंडित जी को देना है, और कभी भी ये कलश हम लेकर जाते हैं लोटा, तो लोटा में पानी हमेशा घर से ही लेकर जाया जाता है, जिस जहाँ भी जाइए पूछने घर से ही लोटा में थोड़ा बहुत पानी लेकर जाइए। और ये फलहारी है जो हम फलहारी अलग कर देते हैं चढ़ाने के लिए सब फल में से, क्या नहीं मट्टी का बनाए हैं यहाँ, हम नहीं उन लोग बनाए हैं, हम नहीं बनाए हैं, मम्मी को बनाना नहीं आता दादी। ये हो गया 5 फल होना चाहिए ना, 1 2 3 4 एक नारियल भी हो गया ना, केला केला केला, हाँ केला ही से तो भर जाता है, जाने चढ़ाने भर कहीं ले जाएंगे बाकी फिर छोड़ देंगे। और अनार, हाँ अनार लेते हैं, गन्ना गन्ना भी चढ़ता है, बस ना और क्या फल चाहिए। भोले बाबा के पूजा में तो बेलपत्र जरूरी होता है, सब लोग को मालूम है, तो ये तो मेरे घर का ही बेलपत्र है जो हमेशा हम चढ़ाते हैं, तो ये बेलपत्र ले लिए हैं। तो ये चंदन हम घर ही से लगा ले रहे हैं क्योंकि वहाँ तो भीड़ भाड़ रहेगा तो उतना हमको मौका मिलेगा नहीं, तो सोचे कि लगा हुआ के ही हम इधर अपने पूजे के थाली में रख लेते हैं, जो कि मेरा ये पूरा तैयारी हो चुका है, इधर भी हो चुका है, इधर भी फल का सारा तैयारी हो चुका है, अब देखते हैं कैसे कैसे हम लेकर वहाँ पहुँचते हैं पूजा करने के लिए। अब मेरी तो पूरी अच्छे से तैयारी हो गई है पूजा में जाने के लिए, सिंदूर तो साथ में लेकर जाना ही है, और ये लोटनी मेरा इतना चीज हम लेकर जाते हैं, आपकी बेटियों को बोलेंगे दोबारा आके लेकर जाएगी। चलो बेटा हमको पहुँचा दो, चले भाई वहाँ पे भोले बाबा को पूजा कर ले,
देखते हैं कौन कौन लेडीज वहाँ आई हुई हैं, कौन कौन नहीं आई हुई हैं। चलो बेटा चलो 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 चलो, और प्रसाद तो है, बिटिया रानी लेकर के आएगी। वाह कितना सुंदर सजाया, देखो कितना सुंदर सजाया बेटा। यही मेरा पूजा का स्थान है, गाँव में पूजा करना है। दोपहर में ब्लॉग में तो आप लोगों को दिखाई है कितना सुंदर सजा हुआ है, ऊपर से नीचे का एकदम मंडप जैसा बन गया है भोले बाबा का। आज संध्या पार्टी को बुला ला तो बेटा, ये सब लोग आ गए हैं। बच्चे लोग तो यहाँ आए हुए हैं, एक्साइटेड हैं फूल देखने के लिए, पूजा देखने के लिए, और हम और ये गुरु बहना सब साथ में आ गए हैं। बाकी सब लोग धीरे धीरे आ ही रहे हैं। लगा ले पिनिया, एक ये भी आ रही है पार्वती जी, एक वो भी पार्वती जी है भाई, सभी आज पार्वती जी बनी हुई है। चलिए अभी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि हमारे सिपारा गली की सब एक से एक हीरोइन कैसी है, हम लोग कैसे ब्लॉग बनाएंगे, रील डालेंगे। चलिए हर हर महादेव का नाम शुरू करके हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। इन्हीं के यहाँ पूजा हो रहा है, तो होता है कि जिनके यहाँ पहले स्थान दिया जाता है भोले बाबा का पूजा के लिए, तो वो पहले पूजा करता है। तो हम कह रहे हैं कि पहले आप पूजा कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सभी लोग बारी बारी से पूजा करेंगे। हाँ पूजा पाठ में सीधा पल्ला अच्छा लगता है, मम्मी तो ऐसा अंधेरा नहीं पहनता है। सात बजे है तो फिर एक तो अब हम लोग का पूजा स्टार्ट हो चुका है और काफी सुंदर डेकोर किया गया है। ये कलश बना रही है, नारियल और नींबू नहीं, सेव भी रखा था। लाया ना बजे हमर तो चुंदरिया है, ये सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। यहां पे आंटी आ गई और वाले से ये पर काफी चालू से हो गए, वाले नहीं है ना पूजा हो रहा है। गौर गणेश बन रहा है, जो कि गोबर तो बहुत शुभ माना जाता है। तभी हमारे गांव में तो खैर गाय भैंस रहता ही है, तो वहां से बच्चे लोग लेकर आए हैं गोबर, तो यहां गौर गणेश बन गया है। सर्वप्रथम गणेश जी तो ऐसे पूजनीय है, लेकिन गौर गणेश यहां पहले पूजा होगा। पूजा स्टार्ट हो गया है, आप लोग देखिए कि हमारे तीज का पूजा कैसे स्टार्टिंग से होता है।
हाँ, उनके लिए पूजा उनकी पसंद है।